नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। सट्टेबाजों से आमजन परेशान, जानकारी होने के बाद भी पुलिस बन रही है अनजान। लांजी नगर में खुलेआम सट्टा और जुआ खेल चल रहा है। शाम होते ही सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं और देर रात तक चलता है। खुलेआम चल रहे इस कारोबार पर ना तो पुलिस की नजर है और ना ही वह इस पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि यह कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग सट्टे की वजह से परेशान रहते हैं। पुलिस इन पर जानकर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए स्थानीय लोग पुलिस से शिकायत नहीं करते। इस सट्टा जुआ पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। पुलिस के प्रति भारी रोष व्यक्त किया गया है। दरअसल लांजी से और लांजी से जुड़े सब्जी मंडी लांजी, गुजरी चौक, मनेरी फाटक, मरार मोहल्ला एवं रिसेवाड़ा, हीरी, भानेगांव, बहेल, बिसोनी, काली माटी में पर्ची व ताश के पत्ते के सहारे सट्टे का खेल कुछ जगह पर लंबे समय से चल रहा है। सट्टे के इस बाजार में जाने वाला हर व्यक्ति अपनी जेब ढीली कर रहा है। दिनों दिन बढ़ते इस कारोबार में सट्टा संचालक मोटी रकम हासिल कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। उल्टा उनके द्वारा पुलिस को भी हिस्सा देने की बात कही जाती है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें संभ्रांत लोगों ने कहा कि सट्टा एवं जुए के गोरख धंधे में पुलिस इन सट्टेबाजों पर लगाम लगाने का नाकाम साबित हो रही है। लांजी जैसी पावन धरा में सट्टा खेलने का गोरख धंधा दिनों दिन बेरोक टोक हो रहा है। सट्टे के कारण पुलिस युवकों पर जहां बुरा प्रभाव पड़ रहा है, महज खानापूर्ति के लिए की जाती है कार्यवाही। वही लोगों का यह भी मानना है कि पुलिस के द्वारा समय समय पर जो कार्यवाही की जाती है वह महज सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है, ताकि बड़े सट्टेबाजों पर कोई आंच ना आए और वे धड़ल्ले से निश्चिंत होकर अपना गोरख धंधा संचालित कर सके, जिसका खामियाजा युवा पीढ़ी भुगत रही है और अपनी जेब इन सट्टेबाजों के लिए ढीली कर रही है, जिससे सट्टेबाजों के हौसले बुलंद है और वे धड़ल्ले से अपने अवैध कार्य को बरकरार रख रहे हैं। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से कैमरामैन बादल श्रीवास के साथ रिपोर्टर पवन।